गुड मॉर्निंग एथ क्लास कैसे हो बच्चों आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड ऑल्सो गोइंग थ्रू योर लेसन्स पढ़ाई करते रहो बच्चों क्योंकि आपके एनुअल एग्जाम्स रिटन पेपर होंगे अभी हाफ हाफीअली जैसे नहीं वी विल बी हैविंग रिटन पेपर सो आपको अपने अपने आंसर्स लर्न करने हैं I am already sending आई एम ऑलरेडी सेंडिंग यू रेग्युलर नोट्स कीप लर्निंग दो यू आर प्रिपेयर फॉर योर एनुअल एग्जाम्स है अप्रैल में कभी भी हो सकते हैं आपके एग्जाम तो तब तक हम कोर्स भी खत्म करेंगे और अपना रिवीजन भी करेंगे सो कीप लर्निंग गोइंग थ्रू योर videos एंड लर्निंग योर चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर्स भेज रही हूँ मैं आपको

ज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर द वर्ड एग्रीकल्चर है ना इसको अंडरलाइन करो द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर और एग्री और इसका मीनिंग क्या होता है सॉइल है ना एगर और एग्री का मीनिंग तो है सॉइल एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन तो आ गया ना सॉइल कल्टिवेशन और टिलिंग ऑफ सॉइल तो दैट इज एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर दोज प्लांट्स विच द ह्यूमन कल्टिवेट फॉर द यूज हम जो हम अपने यूज में ले रहे हैं खुद उगा रहे हैं दे आर क्रॉप लाइव स्टॉक लाइव स्टॉक का मतलब एनिमल्स जिसमें कौन कौन आता है कैटल, शीप एंड गोट एंड बर्ड्स स्पेशली चिकन दैट आर रेस्ड फॉर ह्यूमन यूज ये सब आ जाता है एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर तो देखा जाए तो ये सब प्राइमरी लैंड से जुड़ी हुई एक्टिविटीज हैं जो ह्यूमन बींग ने सबसे पहले करना सीखा अ सिस्टेमैटिक प्रैक्टिस ऑफ टिलिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ सॉइल रेजिंग क्रॉप्स, रेयरिंग एनिमल्स एंड प्रैक्टिसिंग फिशिंग इज ज्वाइंटली कॉल्ड एग्रीकल्चर ये सब आता है देखो एग्रीकल्चर में टिलिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ सॉइल मतलब क्रॉप उगाना देन रेरिंग ऑफ एनिमल्स एनिमल्स को सब एक्टिविटीज मिलाकर क्या कहलाता है एग्रीकल्चर ओके एग्रीकल्चरल लैंड इज द मोस्ट बेसिक ऑफ द वर्ल्ड वास्ट एंड वेरिड रिसोर्स रिसोर्सिस हम पढ़ रहे हैं लैंड रिसोर्स भी हमने पढ़ा तो एग्रीकल्चरल लैंड जिस पर हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं या एनिमल्स को रेयर करते हैं या फिशिंग करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एज ह्यूमन फॉर रिसोर्स फॉर ह्यूमंस ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है विच फीड्स क्लोथ्स देखो है ना क्रॉप से हम फीड हो रहे हैं खाना मिल रहा है हमें वी आर गेटिंग क्लोथ्स एंड शेल्टर्स मासस जहा ह्यूमन बींग रहते हैं ये सब चीजें हमें एग्रीकल्चर से मिलती है विद द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन जैसे जैसे ह्यूमन बींग डेवेलप करता गया मैन हैज फाउंड वेरियस मीन्स टू एडवांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ह्यूमन बींग ने नए नए तरीके डेवेलप करे टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टू मीट द डिमांड्स ऑफ इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन कैनाल्स हैव बीन डगअप पहले सिर्फ रिवर्स से वॉटर लिया जाता था अब हमने कैनाल्स बना लिए ताकि वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें बेटर सीड्स है डेवलप्ड पहले नेचुरल सीड्स थे नाओ हाई येराइटी ऑफ सीड्स आदे एंड इम्प्रूव्ड मैथर्ड ऑफ टिलिंग द लैंड हैव हेल्प टू इनक्रीज द एनुअल हार्वेस्ट इसने हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है द यूज ऑफ स्टीम ऑइल गैस और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पार हैज अलाउड द फार्मी मैकेनाइज पहले खेतों पर जितना भी काम हाथ से होता था अब सबके लिए मशीन्स यूज हो रही है इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया है दिस हैज नॉट ओनली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी पर हैक्टर बट ऑल्सो ब्रॉट मोर एंड मोर एरियाज अंडर फार्मिंग तो इससे न सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ा है पर हेक्टर कितना क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन और एक्स्ट्रा लैंड पर भी फार्मिंग करनी स्टार्ट हो गई है अब हम पढ़ेंगे फिजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर अच्छे एग्रीकल्चर करने के लिए अच्छी क्रॉप ग्रोथ के लिए जिसमें कि प्रोडक्शन बढ़ सके हमें क्या क्या चाहिए दैट वी आर गोइंग टू व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट वी रिक्वायर फॉर इट फिजिकल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट सॉइल एंड रिलीफ ये नेचुरल फैक्टर्स हैव अ ग्रेट बियरिंग ऑन एग्रीकल्चर इन सबका बहुत ज्यादा असर होता है एग्रीकल्चर पे फर्स्ट क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैव द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल ट्राइप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन सर्टन थिंग्स आर ग्रोन ओनली इन हॉट कोल्ड और टेम्परेट रीजनस कुछ क्रॉप्स होते हैं विच कैन बी ग्रोन ओनली इन हॉट क्लाइमेट समा ओनली फॉर कोल्ड क्लाइमेट तो इस तरह से क्लाइमेट डिटर्मिन करती है कौन से क्रॉप्स ग्रो होंगे द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज अनदर फैक्टर पहले क्लाइमेट आया टेम्परेचर देन अमाउंट ऑफ रेनफॉल एरिया में कितनी रेनफॉल हो रही है

थोड़ा सा कोल्ड कूलर क्लाइमेट तब वीट ग्रो होता है और रेनफॉल मॉनसून में रेनफॉल बहुत होती है एंड राइज अ लॉट ऑफ वाटर, सो इट्स ग्रोन ड्यूरिंग दैट टाइम, सो दिस इज़ हाउ क्लाइमेट एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिटरमाइंस द क्रॉप्स, सेकेंड फैक्टर आता है सॉइल सॉइल इज अनदर फैक्टर इन एग्रीकल्चर आफ्टर ऑल क्रॉप ग्रो किसमें होगा सॉइल में ही तो होगा तो सॉइल इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर क्ले सॉइल इज मोर सुटेबल क्या होती है क्ले पता है आपको चिकनी मिट्टी जिसको हम कहते हैं दैट इज क्ले सॉइल तो क्ले सॉइल इज मोर सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस राइस के लिए कैसी सॉइल अच्छी होती है क्ले सॉइल जिसमें वो राइस अच्छे से ग्रो हो सकता है तो दैट इज क्ले सॉइल बिकॉज इट रिटेन्स वॉटर है ना वो मॉइस्चर को होल्ड करती है फॉर अ लॉन्ग टाइम तो उसमें राइस की ग्रोथ अच्छी होती है आपको पता है ना राइस को बहुत सारे पानी में ही हर समय मॉइस्चर रहना चाहिए पानी रहना चाहिए तब राइस अच्छा ग्रो होता है तो दैट इज क्ले सॉइल फर्टाइल सैंडी सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वीट ज्यादा पानी नहीं चाहिए नहीं तो प्लांट खराब हो जाएगा तो वहां व्हीट ग्रो होता है वाइल ब्लैक लावा सॉइल ब्लैक सॉइल जिसे हम कहते हैं जो कि लावा के ठंडा होने से बनती है सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन रबर ग्रोज बेस्ट ऑन डीप स्लाइटली एसिडिक सॉइल्स एंड कोका ग्रोज वेल इन सॉइल रिच इन आयन एंड पोटेशियम सी एवरी क्रॉप रिक्वायर्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल तो सॉइल पर डिपेंड करता है कि वहां उसमें कौन सा क्रॉप ग्रो होगा द नेक्स्ट फैक्टर इज रिलीफ फिजिकल फीचर्स दैट इज रिलीफ टाइप ऑफ लैंड रिलीफ एंड एल्टीट्यूड हाइट कितनी हाइट पर है प्लेन्स पर है ग्रो हो रही है क्रॉप्स या माउंटेन्स पर हिल्स पर दैट इज एल्टीट्यूड हैव आल्सो अ ग्रेट बेयरिंग ऑन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज प्लेन्स समतल जगह जहां है रिवर वैलीज हैं और डेल्टास आर मोर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन देन हिली एरियाज तो कौन कौन से एरियाज में अच्छी तरह से क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं आई द प्लेन्स रिवर वैलीज नदी के पास और डेल्टास हाँ तो ये वो फर्टाइल एरियाज हैं वेर क्रॉप्स कूड बी ग्रोन इजीली नॉट ऑन हिली एरियाज क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन इन प्लेन्स वाइल शीप एंड कैटल आर रेड इन द माउंटेन्स क्योंकि माउंटेन्स पर एग्रीकल्चर या ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इज वेरी डिफिकल्ट सो पीपल देयर डू रेयरिंग ऑफ एनिमल्स स्पेषली शीप एंड गोट्स एंड द पीपल हु आर लिविंग ऑन प्लेन्स हा जो समतल जगह पर रह रहे हैं लोग वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं एंड द पीपल हु आर लिविंग ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स दे रेयर कैटल वेल ड्रेन्ड हिल स्लोप्स जहां से पानी बह जाता है हिल बी में फॉर सम क्रॉप्स लाइक टी एंड कॉफी हैवी रेनस हो अच्छी रेन्स हो लेकिन पानी ठहरे ना बह जाए देयर वी कैन ग्रो टी एंड कॉफी While other crops may canals, जिसमें हर समय पानी रहे चेंज इल्टीट्यूड अच्छा जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है बदलाव आता जाता है हाइट में टाइप्स ऑफ ट्रीज कीप चेंजिंग इफ यू गो अप ऑन द माउंटेन्स आप समो वेकेशन में हिल स्टेशन जाते हो जैसे जैसे हायर प्लेसेस पर जाते जाते हो हायर एल्टीट्यूड आप देखोगे टाइप ऑफ ट्रीज चेंज होता जाता है जो ट्रीज हमारे यहाँ प्लेन्स पर मिलते हैं वो वहां नहीं होंगे तो एज यू मूव अप ऑन द माउंटेन्स द टाइप ऑफ ट्रीज कीप चेंजिंग एंड इज हार्डली एनी वेजिटेशन अब सिक्स थाउजेंड फीट और वेन यू रीच अप हाइट सिक्स थाउजेंड फीट उसके ऊपर जाकर तो वेजिटेशन मिलता ही नहीं है फिर क्या मिलता है बताओ स्नो वहां पर या तो ग्रास आ जाते हैं नो ट्रीज और बहुत हाइट पर जाकर तो ग्रास भी खत्म हो जाती है बिकॉज देर इज ओनली स्नो तो एज यू मूव अप ऑन द माउंटेन्स ट्रीज कम होते जाते हैं और सिक्स थाउजेंड फीट एंड अब देर इज नो वेजिटेशन अदर फैक्टर्स तो अभी हमने तीन तो क्या पढ़े बच्चों क्लाइमेट सॉइल एंड रिलीफ and other factors that affect agriculture are like market for a commodity जो आप grow कर रहे हो चीज वो वहां उसके लिए कितना market available है मतलब जहां आप उसे easily sell कर सकते हो what is market a place where goods are bought and sold उस जगह को बाजार कहते हैं हु? तो वो जो grow कर रहे हो आप जो चीज वहां available है उसके लिए कितना आप उसे बेच सकते हो वो प्लेस अवेलेबल है फॉर अ कमोडिटी ट्रांसपोर्ट कैपिटल वट डू यू मीन बाय कैपिटल हर यहाँ का कैपिटल का मतलब होता है बच्चों फाइनेंस मनी वो अफेक्ट करता है एग्रीकल्चर को लेबर टू सो सीड्स टू वॉटर द क्रॉप एंड टू हार्वेस्ट हार्वेस्ट टाइम पे बहुत सारी लेबर चाहिए होती है एंड गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर सो दीज आर देरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट एग्रीकल्चर एंड ए नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर कितने तरह से क्रॉपिंग या एग्रीकल्चर किया जाता है टिल देन कीप रीडिंग एंड लर्निंग